92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं स्नेहवीर गोसाई की लिखी कहानी किराए का घर, बिना किसी एड ब्रेक के। कानों में कंटोप, एक ढीली सी स्वेटर, शाम की ढेर सारी फुर्सत और हाथों में पुराना एल्बम। सर्दी के शुरुआती दिनों में बलवंत सिंह अपने घर के आंगन में बैठकर जिंदगी का रिकैप कर रहे थे। उनकी तरह उनका मकान भी बूढ़ा हो चुका था। आसपास की छोटी बड़ी इमारतों से बचते बचाते धूप का एक टुकड़ा उनके आंगन में पड़ रहा था। हर आधे घंटे में अपनी कुर्सी सरकाकर वो उसी टुकड़े का पीछा कर रहे थे। तभी दरवाजे पे खटका हुआ। उनकी किरायेदार सरिता देवी काम खत्म करके अपने घर लौट रही थी। अपने कमरे में पहुंची तो बेटे का उदास चेहरा देखकर उन्होंने उसके आज के इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं पूछा। माँ की चुप्पी जब अर्जुन को खलने लगी तो वो खुद ही बोल पड़ा, माँ तुझे पैसे मिल गए तो किराया दे दे, अंकल जी किसी न किसी बात पे सुना देते हैं, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता, तुम नया घर देखोगे कि नहीं? सरिता खामोशी से सवाल टाल देना चाहती थी, लेकिन अर्जुन बगैर जवाब लिए मानने वाला नहीं था। जिस दिन खुद कमाने लायक बन जाओ ना, उस दिन ये बात करना। माँ ने अनजाने में ही अर्जुन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। ठीक है, लेकिन तब तुम मना मत करना, हमारे जाने के बाद देखता हूँ कौन रहता है अंकल जी के साथ। 80 साल की उम्र हो गई लेकिन देखो पैसों का लालच नहीं गया है। ये आखिरी बात अर्जुन ने इतनी जोर से कही कि बलवंत सिंह सुन ले। सरिता देवी ने रोकना भी चाहा, लेकिन तब तक आवाज उनके कानों तक जा चुकी थी। मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया गया था। बलवंत सिंह अपनी ताकत और गुस्सा इकट्ठा करके बोले, क्यों नहीं हो पैसों का लालच? तुम लोग तो मुफ्त में रहना चाहते हो ना, पिछले महीने भी किराया देर से दिया था। अरे कान खोल के सुन लो, अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो घर खाली कर देना। सरिता देवी ने उनके गुस्से के ठंडे हो जाने का इंतजार किया, फिर अपनी छोटी बेटी रंजू के गुल्लक को तोड़कर कुछ रुपए निकाले। एक रुमाल में सारे पैसे बांधकर वो बलवंत सिंह के पास गईं और बोली, बाबूजी कुछ रुपए हैं, आप इनको रख लो, इस बार तनख्वाह मिलने में जरा देर हो जाएगी, अगले हफ्ते मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगी। बलवंत सिंह का गुस्सा अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ था। उठा ले चिल्लर, जब पूरे पैसे हो जाए तब दे देना, नहीं तो। इस बार बलवंत सिंह अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। कमरे में वापस आकर सरिता देवी ने चूल्हे पे चाय रखी। लाइटर की किट किट के बीच उन्होंने अर्जुन से पूछा, रंजू कहां गई? आज तो उसके छमाई इम्तिहान का रिजल्ट आया था ना। अर्जुन ने बस्ते में किताब डालते हुए कहा, नीला क्या गई खेलने? तभी आंगन में फुदकती हुई रंजू कमरे में दाखिल हुई। सरिता ने कप में चाय उतारते हुए कहा, रंजू तेरे रिजल्ट का क्या हुआ, पास हो गई ना? रंजू ने तिरछी आंखों से मां की तरफ देखा, फर्स्ट आई हूं। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? रंजू सरिता को रिजल्ट थमाती हुई बोली, तुझको बता के फायदा भी क्या, तू लाती तो है नहीं कुछ, वो गुल्लक भी बस नाम का मेरा है, अब तो मैं दोबारा फर्स्ट आई हूं, तू इस बार मेरे लिए लाल झालर वाली फ्रॉक लेके आएगी ना। रंजू के सवाल का सरिता के पास कोई जवाब नहीं था। रंजू से किया हुआ अपना वादा निभा नहीं पाई थी वो। बात बदलने के लिए उसने रुमाल में रखे पैसे निकालकर रंजू के हाथ में रखे और कहा, ठीक है ले आएंगे तेरे लिए फ्रॉक, पर अभी तू दूध ले आ, मेरी बेटी फर्स्ट आई है, आज हम खीर बनाएंगे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। कढ़ाई में उठ रहे बुलबुलों को देखकर सरिता देवी ने स्टोव बंद कर दिया और टूटे हुए गुल्लक के टुकड़े उठाने लगी। रंजू उधर कोप भवन में बैठी थी। पहले भी इमरजेंसी में 2 बार उसके गुल्लक पर धावा बोला जा चुका था, मगर इस बार उसने गुल्लक छुपा ली थी, कम से कम उसको तो ऐसा ही लगता था। सरिता देवी उसको समझाने गई तो वो रूठ के बोली, मेरे जन्मदिन तक मुझे वो फ्रॉक चाहिए बस, नीला की फ्रॉक तो पुरानी भी हो गई है और हमारी अब तक दुकान में ही पड़ी है। सरिता ने पलकें झपकाकर आंसुओं को तितर बितर कर दिया। छोटी सी नौकरी, तनख्वाह का ठिकाना नहीं और किराए का ही घर। गांव से पहली बार इसी किराए के मकान में आई थी। अपने घर के सपने पति की जिंदगी के साथ ही खत्म हो गए थे। अब तो हालात यह हैं कि इस घर का किराया चुकाने में भी परेशानी होती है। मुसीबतों का एक तूफान झेलने भर की ताकत नहीं है उसमें। अर्जुन का बीए हो गया है, अब कोई काम मिल जाए तो ठीक से घर चले,
जिंदगी को बस अपने जीवट अपनी हिम्मत से खींचती जा रही थी सरिता। आंगन के दूसरे छोर पर बने कमरे में खटपट हुई तो सरिता समझ गई कि आज बलवंत सिंह सैर करने नहीं गए। इतने सालों में उनकी हर आहट का मतलब जान गई है सरिता। वो शायद खीर की मीठी खुशबू का बुलावा था जो उनको शाम ढले आंगन में खींच लाया था। बलवंत सिंह ने जेब से एक थैली निकालकर सरिता को दी और कहा, ये कुछ मेवे हैं, खीर में डाल देना, अच्छी हो जाएगी। दिन की कड़वाहट खीर की मिठास में घुल गई थी। बलवंत सिंह जब भी आंखें ऊपर आसमान की तरफ करते तो उनको अपनी पत्नी की कोई पुरानी बात याद आ रही होती। जानती है सरिता, कुलजीत जब खीर बनाती थी ना तो मेवा पीस पीस के डालती थी। खीर इतनी गाढ़ी हो जाती थी कि हजम करना मुश्किल हो जाए। हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ आंसू उनकी झुर्रियों में फंस गए। ऐसे में पता करना मुश्किल होता है कि वो खुश हैं या उदास। कटोरा गोद में रखकर आसमान की ओर ऐसे ताकने लगे जैसे बादलों में अपनी मरहूम पत्नी का चेहरा दिख रहा हो। चुपके से अपने आंसू साफ कर लेना चाहते थे पर मन था कि बहता जा रहा था। घर बनाकर मैंने सोचा था कि अब बुढ़ापे में बीवी बच्चों के साथ यहां खुश रहूंगा। बच्चे घर छोड़ के चले गए, बीवी दुनिया, खुशियां खत्म हो गई, अब बस बुढ़ापा बाकी है। तुम लोग हो तो मन लगा रहता है, वरना खुद से भी ऊब गया हूं मैं। सरिता समझ गई कि आज उनके बेटे का फोन आया होगा। नीचे रखा कटोरा उठाते हुए बोली, बाबूजी जिद छोड़ के बच्चों के साथ चले जाइए ना, इसी शहर में तो रहते हैं। बलवंत सिंह भी एक नंबर के सनकी आदमी थे। भड़क के कुर्सी से उठ गए, उनकी सांस तेज हो रही थी। जब वो मेरे घर पे नहीं रह सकते तो मैं उनके घर पे क्यों रहूं? कहते हैं इस घर को बेच के हमको पैसे दे दो। इतनी मेहनत से कमाया हुआ घर मैं नहीं बेचूंगा। जिसको रहना है रहे, जाना है जाए। अब तो इस इंतजार में है सब कि कब बुड्ढा मरे और कब कब इस घर को बेचें। कहते कहते अचानक बलवंत सिंह की सांस चढ़ने लगी, पैर लड़खड़ा गए और बूढ़ी काया धड़ाम से धरती पे आ गिरी। सरिता का शरीर सुन्न पड़ गया। जब तक संभली तब तक बेटा घर पे आ चुका था। आनंद फानंद में अस्पताल फोन किया गया। एम्बुलेंस की आवाज के बीच एक मायूसी सरिता को घेर कर बैठ गई। बाबूजी की पुरानी एल्बम अभी भी उसी कुर्सी पे पड़ी हुई थी। संघर्ष बलवंत सिंह और सरिता दोनों के ही जीवन में था। एक अपने सपनों के लिए लड़ रहा था और दूसरा अपनों से लड़ रहा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। वार्ड नंबर 14 के बाहर बैठी सरिता खिड़की से बलवंत सिंह के बेड की तरफ देख रही थी। बोतल से टप टप गिरती ग्लूकोज की बूंदें उनमें जिंदगी भरने की कोशिश कर रही थी। धीमी धीमी बढ़ती हुई कुछ आवाजें उनके कानों से टकराने लगी। बलवंत सिंह के दोनों बेटे वार्ड की तरफ आ रहे थे। जब तुमको पता था कि वो बीमार है तो तुमने उनको जाने क्यों दिया? छोटे बेटे से उलाहना बर्दाश्त नहीं हुआ। भैया आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने बड़ी सेवा की हो, मेरे यहां तो फिर भी एक महीना रुक के गए। भाभी ने तो, बड़े ने अपना मिजाज थोड़ा नरम करते हुए कहा, देख सुखबीर, मुझको दुकान बढ़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है और तुझको भी नया धंधा शुरू करना है। किसी तरह मकान बिक जाए तो दोनों का काम बन जाएगा। ऐसा कर, तू कुछ महीने इनको अपने पास रख ले। सुखबीर ने नजरें ऐसे उठाई जैसे सब समझ गया हो। भैया मैंने तो महीने भर रखा ही था, आप क्यों कन्नी काट रहे हो? कॉरिडोर पर आगे बढ़ते ही सुखबीर की नजर सरिता देवी पर गई। कुछ सोचकर वो चुप हो गया। बड़ा भाई हरविंद एक अरसे से पुराने घर नहीं गया था, सो सरिता देवी को पहचान नहीं पाया। उसने खुशपुसाहट में सुखबीर से पूछा, यही लगी ना बाबूजी को? कौन है औरत? अरे इसको नहीं पहचानते, ये सरिता है भैया, 15 साल से वहीं जमी हुई है। मुझे तो लगता है कि बाबूजी को फुसला के घर हथियाने के चक्कर में है। तभी हरविंद के दिमाग में एक बात कौंध गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, किराएदार होकर ये बेटी जैसे इनकी सेवा क्यों कर रही है? मकसद क्या है इसका? कहीं बाबूजी ने घर अभी से इसके नाम तो नहीं कर दिया है? भैया अगर ऐसा हो गया ना तो तुम्हारी दुकान मेरा धंधा दोनों। हरविंद ने अपने बैग पे हाथ मारते हुए कहा, अरे चिंता मत कर, उसका इंतजाम है मेरे पास, कागज लाया हूं। बाहर बेंच पर बैठी सरिता के पास जाकर हरविंद थोड़ी देर के लिए रुक गया। चेहरे को थोड़ा संजीदा बनाकर उसने बात शुरू की।
बहन जी आपने बड़ी सेवा की हमारे बाबूजी की, हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैंने बाबूजी को कितनी बार कहा कि मेरे साथ रहें, लेकिन वो कभी हफ्ता भर से ज्यादा टिके ही नहीं। हम पहले बहुत तकलीफ दे चुके हैं, हम आपको और कष्ट नहीं दे सकते। आप घर जाके आराम कीजिए, मैं बाबूजी के पास ही रुकूंगा। एक पल को सरिता देवी हैरान हो गई, यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही शख्स है जिसकी बातें उन्होंने कुछ मिनटों पहले कॉरिडोर में सुनी थी। बहरहाल परिवार का आपसी मामला समझकर सरिता देवी चली गई। अस्पताल से निकलकर कुछ दूर ही चली थी कि अचानक उनको याद आया कि वो अपना शॉल बाबूजी के बेड पर ही छोड़ आई थी। वो शॉल लेने के लिए अस्पताल की ओर चल पड़ी। रास्ते भर यही सोचती रही कि जिन बच्चों को बाबूजी ने इस लायक बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उन बच्चों के दिल में क्या बाबूजी के लिए जरा भी जगह नहीं। बलवंत सिंह अपनी बेरुखी से अपने दर्द को छुपा लेने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उनकी आंखें झूठ नहीं बोल पाती। अस्पताल में एक सुस्त सी खामोशी छाई हुई थी। नाइट ड्यूटी वाले 4-5 लोगों के अलावा अस्पताल में कोई नहीं नजर आ रहा था। सरिता के वार्ड नंबर 14 के अंदर घुसते ही दोनों भाई अचानक ठिटक गए। हड़बड़ाहट में बड़े भाई ने कुछ कागज समेट के बैग में रख लिए। सरिता अपना शॉल लेने के लिए जैसे ही बिस्तर के पास गई, उसने देखा बाबूजी के निढाल पड़े हाथों के पास एक स्टैम्प पैड खुला पड़ा था। वो समझ गई कि बाबूजी के अपने ही उनको छलने की कोशिश कर रहे थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। सरिता सावधान हो गई। दोनों भाई भी इस बात को ताड़ गए थे। सरिता ने फोन उठाकर एक कॉल किया तो वो लोग घबरा गए। थोड़ी देर के बाद एक नर्स वार्ड में दाखिल हुई। सरिता ने बड़े भाई की तरफ देखते हुए कहा, मेरा घर पास में ही है, मैं यहाँ रुक सकती हूँ। वैसे भी यहाँ एक ही आदमी को रुकने की इजाजत है। दोनों भाइयों को रात भर रुक के अपने पिता की सेवा तो करनी नहीं थी, और जो काम करने आए थे वो बन नहीं पाया था। दोनों अस्पताल से चले गए। सुबह जब सरिता घर पहुंची तो रंजू सारा काम निपटा के स्कूल जा चुकी थी। जल्दी से तैयार होकर सरिता भी अपने काम पे चली गई। घर से निकलते वक्त उसको थोड़ा अजीब लग रहा था। आज बाबूजी और उनकी एल्बम दोनों ही आंगन की धूप से गायब थे। कोई बुजुर्ग घर में हो तो सहारा हो जाता है। अपनेपन का एक धागा उस घर को, बाबूजी को और सरिता के परिवार को एक साथ बांधे हुए था। शाम तक हालत बेहतर हो पाएगी, बाबूजी को कुछ हो गया तो? कुछ इस तरह की उधेड़ बुन में सरिता पूरे दिन खोई रही। उधर बलवंत सिंह के दोनों बेटों को इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि बलवंत सिंह ने अपना पुराना घर सरिता के नाम लिख दिया है। सुखबीर बोला, भैया अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो वो घर उस किरायेदारनी के नाम हो जाएगा। कुछ कीजिए भैया जल्दी, वरना। सतबीर ने जेब से फोन निकालते हुए कहा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। शाम हो चुकी थी। एक थका हुआ दिन बिताने के बाद सरिता घर पहुंची। मन भारी हो तो शाम और भी बोझिल हो जाती है। दरवाजे पर हुए खड़के से सरिता जान गई कि अर्जुन घर वापस आ चुका है। अंदर आते ही उसने मां के पैर छुए और जोर से मुस्कुराते हुए बोला, 15,000 रुपए महीना और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन जाना है। हंसते हुए सरिता की आंखें गीली हो गई। आखिरकार नौकरी लग गई थी बेटे की। अर्जुन ने मिठाई का डब्बा मेज पर रखते हुए कहा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे मां, अंकल को किराया देकर हमें घर छोड़ देंगे। बेटा अभी तो सिर्फ नौकरी लगी है, पैसे थोड़ी मिले। वैसे भी अभी हम इस घर से नहीं जा सकते, अंकल अस्पताल में है। अर्जुन बोला, मां किराया भी तनख्वाह मिलने के बाद ही देना है। सरिता के माथे पर लकीरें उभर आईं। बाबूजी बड़ी मुसीबत में है, उनके ही बेटे ये घर हथियाना चाहते हैं। कल रात वो लोग कागज पर उनके अंगूठे के निशान लेने की कोशिश कर रहे थे। अब ये घर अगर उनसे छिन गया तो उनकी दुर्गत हो जाएगी। अर्जुन ने शिकायत भरी आंखों से मां की तरफ देखा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं मां, ये उनके परिवार का मामला है। और कर भी सकते हैं तो क्यों करें? याद नहीं कैसे ताने मारते थे? तुमने अपनी तरफ से जितना किया बहुत है, हम क्यों उनके झगड़े में पड़े? सरिता काफी देर तक इस बारे में सोचती रही। एक किरायेदार का मकान और उसके मालिक से रिश्ता ही क्या होता है? मकान छोड़ते ही वो घर, वो लोग सब अजनबी हो जाते हैं। लेकिन बाबूजी की झिड़की में भी प्यार था जिसको अर्जुन समझ नहीं पाया था।
बाबूजी को उनके बच्चों के सहारे छोड़ देना उसको ठीक नहीं लग रहा था। एक अजीब से असमंजस में पड़ गई थी सरिता। भगवान का दिया जलाती हुई अपनी दुनिया के मालिक से अपनी परेशानी का हल मांग रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। ईश्वर की अर्चना से सरिता का मन कुछ हल्का हुआ। शाम का खाना बनाकर वो तैयार हो गई। बाहर निकल ही रही थी कि अर्जुन ने टोक दिया, कहां जा रही हो मां? सरिता बोली, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, तुम रंजू का ख्याल रखना, उनके साथ उनका परिवार है मां, हमें उनके मामले में उलझने की क्या जरूरत है। लेकिन सरिता देवी को जो फैसला लेना था वो ले चुकी थी। दरवाजा बंद करते हुए बोली, इस घर में फैसले आज भी मैं ही लेती हूं अर्जुन। सरिता घर से निकल तो गई लेकिन पूरे रास्ते यही सोचती रही कि वो करेगी क्या और कब तक करेगी। बाबूजी के घर वाले तो बदलने से रहे, फिर आज नहीं तो कल वो किसी तरह घर तो हथिया ही लेंगे। दुनिया दुश्मन हो तो औलाद साथ देती है, जब औलाद दुश्मन हो जाए तो भगवान भी साथ नहीं देते। इस उधेड़बुन में रास्ता कब खत्म हो गया उसको पता ही नहीं चला। शाम के वक्त अस्पताल और भी उदास लगता है। दिन भर की बेचैनी से थका हुआ याद शहर का सिटी हॉस्पिटल इस वक्त सुस्ताने लगता है, लेकिन वार्ड नंबर 14 से बड़े जोर जोर से आवाजें आ रही थी। वार्ड में एक औरत नर्स से बहस कर रही थी। अरे हम नहीं जाएंगे अपने बाबूजी को छोड़कर, नर्स उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। देखिए विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, आप में से कोई एक आदमी ही यहां रुक सकता है। अंदर जाने पर पता चला कि बलवंत सिंह के दोनों बेटे अपने परिवार समेत वार्ड नंबर 14 में खड़े हैं। उनका बिस्तर अस्पताल के बिस्तर जैसा नहीं लग रहा है, एक तरफ फूल के गुलदस्ते रखे हैं, दूसरी तरफ मौसमी फल। दुख चिंता और सेवा का भाव लिए हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी नाटक का रिहर्सल हो रहा हो। सरिता के वहां पहुंचते ही उनमें खुशपसाहट होने लगी। उसको थोड़ी घबराहट जरूर हुई लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ गई। बलवंत सिंह का बड़ा बेटा हरविंद उसके सामने खड़ा हो गया। अब आपकी कोई जरूरत नहीं है, परिवार के लोग उनकी देखभाल कर लेंगे। सरिता को उसका तंज भरा अंदाज पसंद नहीं आया। उसने तुनक के जवाब दिया, बड़ी जल्दी याद आ गई। इतने में हरविंद की पत्नी बोल पड़ी, अरे हम जानते हैं तू सेवा का नाटक करके वो घर हथियाना चाहती है, लेकिन तेरे इरादे पूरे नहीं होने देंगे हम। सरिता अपने गुस्से को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही थी। खुद को संभालते हुए बोली, आपसे अच्छा नाटक नहीं कर सकती मैं। वार्ड में मचे शोर शराबे को सुनकर डॉक्टर साहब भी आ पहुंचे। क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन है आप लोग? बात को संभालते हुए बड़े भाई हरविंद ने डॉक्टर को समझाया, डॉक्टर साहब बलवंत सिंह मेरे पिताजी हैं, ये औरत जबरदस्ती उनके पास बैठना चाहती है। अरे हमने समझाने की कोशिश की तो झगड़ा करने लगी। डॉक्टर साहब ने अचरज भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा, लेकिन मरीज को लेकर तो ये आई है, आपको तो मैं पहली बार देख रहा हूं। देखिए मिलने का टाइम खत्म हो गया, आप प्लीज हॉस्पिटल का माहौल खराब मत करिए। डॉक्टर की बात सुनकर हरविंद को अपनी जिद छोड़नी पड़ी। इन सारी बातों को शायद बलवंत सिंह भी सुन रहे थे। पूरे 4 दिन के बाद उनके हाथों में हरकत होने लगी थी। सरिता को सामने देखकर बलवंत सिंह की आंखों में आंसू आ गए। सरिता ने मुस्कुरा के कहा, आपके लिए कुछ लाई हूं। उसने अपने थैले से बलवंत सिंह की पुरानी एल्बम निकालकर मेज पर रख दी। एल्बम को हाथ में लेते ही बलवंत सिंह के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे मौत से लड़ने के लिए उनको कोई हथियार मिल गया हो। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम। अगले कुछ दिनों में बलवंत सिंह की हालत बेहतर होती गई। उनके परिवार वाले उनसे बराबर मिलने आते थे, मगर वो दिन भर अपनी एल्बम की तस्वीरों में खोए रहते। बेटे बहू से बात करना तो लगभग छोड़ ही दिया था। शायद बेहोशी के दिनों में भी कभी कभार उन्होंने अपने बेटों की बात सुन ली थी। सरिता सब जानती थी लेकिन फिर भी समझाने की अक्सर कोशिश करती, बाबूजी वो चाहे जैसे भी हैं तो आपके अपने ही, गुस्सा थूक दीजिए। क्यों, तुम मुझसे परेशान हो गए हो क्या? बलवंत सिंह बोले। सरिता के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। बड़े इत्मीनान के साथ वो घर की तरफ रवाना हुई। आज तो उसको अर्जुन के उदास चेहरे का सामना भी नहीं करना था। घर पहुंची थी कि देखा
अर्जुन फोन पे बात कर रहा है। हाँ हम दो दिन में शिफ्ट कर लेंगे, आप लाइटें और पंखा चेक करवा लीजिएगा। उसके फोन रखते ही सरिता ने पूछा, किससे बात कर रहा था? अर्जुन की आंखें चमक उठी। माँ हमारे नए मकान मालिक हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्हीं से बात कर रहा था। तू घर देख आया और बताया भी नहीं? सरिता नाराज हो गई। तुम्हें समाज सेवा से फुर्सत मिले तब तो बताऊ ना। तमीज से बात कर अर्जुन, सरिता ने कहा। माँ तू नहीं कहा था ना कि जिस दिन मैं खुद कमाने लगूं उस दिन ये घर छोड़ देंगे? वैसे भी एक न एक दिन तो हमें यह घर छोड़ना ही था। नए घर से मेरा दफ्तर और रंजू का स्कूल दोनों पास है। अब तो अंकल जी ठीक हो गए हैं, दो एक दिन में घर वापस आ जाएंगे। उनको बाकी का किराया दे के हम अपने घर, वो अपने घर। एक तरफ इंसानियत, पिता जैसे बलवंत सिंह से प्यार, और दूसरी तरफ बेटे की न टूटती हुई जिद। इन पीली दीवारों से, लोहे के दरवाजों से, गली में खुलती खिड़की से, नगर पालिका के नल से एक रिश्ता बना लिया था उसने। पिछले 15 सालों में उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन ये घर उसको छोड़ के जाना पड़ेगा। पति की मौत के बाद बाबूजी के सहारे ही खुद को संभाल पाई थी। ढलती उम्र ने बाबूजी को ऊपर से कठोर और चिड़चिड़ा जरूर बना दिया था, लेकिन अंदर से वो और भी कमजोर हो गए थे। इस बीच अर्जुन ने धड़ाधड़ फोन मिलाकर शिफ्टिंग की पूरी प्लानिंग कर ली थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बलवंत सिंह अपने बेटों के पास नहीं गए। अगले दिन सरिता को शिफ्ट करना था। शाम भर से सोच रही थी कि कैसे बताए। किराया देने गई तो बलवंत सिंह ने कहा, अब किसके लिए पैसे जोड़ूं? रख ले इनको, मेरे लिए कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है। सरिता ने धीरे से कहा, आपसे कुछ कहना था। बलवंत सिंह ने मुस्कुरा के गर्दन हिलाई। बाबूजी हम लोग कल दूसरे मकान में जा रहे हैं। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर चुप रहकर बलवंत सिंह ने कहा, ठीक है, जब तुमने सोच ही लिया है तो। अगले दिन दरवाजे पर गाड़ी खड़ी हो गई। एक एक करके सामान गाड़ी में चढ़ाया जाने लगा। मां जल्दी करो, 8 बजे नो एंट्री लग जाएगी, फिर ये टेम्पो सड़क पर नहीं निकल पाएगा। बलवंत सिंह अपने एल्बम को थामे वहीं आंगन में बैठे रहे। आखिरी अटैची हाथ में उठाए सरिता बाबूजी से विदा लेने के लिए उनके पास गई। उनकी आंखें बहुत मजबूर नजर आ रही थीं। सरिता ने आंसुओं को आंखों के किसी कोने में रोक रखा था। आगे बढ़कर पैर छुए, कहा, बाबूजी चलती हूं, मिलने आती रहूंगी। बाबूजी ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा, बच्चों का ख्याल रखना। सरिता की आंखों के पोर भीगने लगे थे। वो मुंह धोने के लिए नल के पास चली गई। अभी नल के नीचे पानी का छींटा मारा ही था कि उसने देखा, गमले में जानी पहचानी एक लाल पीली कैप्सूल पड़ी है। वो दवाइयां उठाकर बलवंत सिंह के पास आई और बोली, बाबूजी ये क्या, आप दवाइयां नहीं खा रहे? बाबूजी के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट तैरने लगी। अब कोई नहीं चाहता मैं जिंदा रहूं, तो फिर ये गोलियां खा के क्यों मौत को धोखा दे रहा हूं? सरिता वहीं पत्थर सी हो गई। ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। थोड़ी देर में अर्जुन गाड़ी से उतरकर नीचे आया। रंजू भी उसके पीछे पीछे चली आई। सरिता ने आंसू पोंछकर उसकी तरफ देखा और कहा, चलो अर्जुन। अर्जुन एक टक मां के मायूस चेहरे को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसकी मां से उसके सारे छोटे छोटे खुशियों के लम्हे, उसको मिला सारा आशीर्वाद, उसकी सारी खुशियां छीन ली जा रही हूं। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर पीछे मुड़कर रंजू से बोला, रंजू ड्राइवर से कह दो सारा सामान उतार दे। सरिता ने अपने बेटे को अचरज से देखा। 8 बज चुके हैं मां, सड़क पर नो एंट्री लग गई है, अब ये घर छोड़ के नहीं जाएंगे हम। बस इतनी सी थी कहानी।